हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी CUET 2023 की कंप्लीट सिलेबस डिटेल में बताने वाला हूं। चाहे वो आपकी लैंग्वेज टेस्ट की जितनी भी लैंग्वेजेस हो, चाहे आपकी डोमेन्स में जितनी सारी डोमेन्स हो, चाहे आपकी पूरी की पूरी जनरल टेस्ट क्यों ना हो, एक एक सेक्शन की हम उठाकर आज सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। उस सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कैसे सिलेबस को क्रैक करना है, कहां से क्रैक करना है, A to Z एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हो ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बाबू कि आपको कोई भी सिलेबस से लेकर प्रिपरेशन तक दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को, अनटोल्ड मैथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद, कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग सब कुछ के लिए तुम्हारे भैया बैठे हैं। पिछले साल 2022 में काफी सारे बच्चों को मैंने पर्सनली गाइड करा, काफी सारी उन्हें मेथड्स बताई जिनके हिसाब से, जिसके वजह से उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक करा और आज के टाइम पे वो बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो इस बार आप लोगों की बारी है, तो देर नहीं करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा लो। अनटोल्ड मैथ आने वाले टाइम पे आपको पता होगा तुम्हारे भैया का चैनल एक ब्रांड बनने वाला है, और आज के टाइम पे है CUET के, जब CUET की बात आती है ना तो एक जाना माना ब्रांड है तुम्हारा भाई आज के टाइम पे। ओके, तो आप बने रहो और प्यार बनाए रखो, वीडियो लाइक कर देना। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो CUET एग्जाम है इसमें आपकी तीन सेक्शन होती है अलग अलग, एंड तीनों सेक्शन की अलग अलग सिलेबस होती है। एक सेक्शन होती है आपकी लैंग्वेज टेस्ट की, वो सारे लैंग्वेजेस जो अभी आप मतलब पढ़ रहे हो सकता है इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई, कन्नडा हो गई, पंजाबी हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, कुछ भी लैंग्वेज आप उठा लो वो सभी इस लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आएंगी, एंड उनकी एक डेडिकेटेड सिलेबस है। और ये चीजें मैंने जो भी बोर्ड में लिखा है इसे मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी इसे देख के मत भाग जाना, नहीं तो बुरा फंस जाओगे, कुछ समझोगे नहीं, आधा ज्ञान बहुत खराब चीज होता है, पता है ना। उसके बाद आती है आपकी डोमेन। डोमेन मतलब वैसी सब्जेक्ट जो आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो, अदर देन लैंग्वेज आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, आपकी अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी कह लो वो सब डोमेन के अंदर आएगी। एंड जनरल टेस्ट, इसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अकेला आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी उठाकर देगा। ओके, तो चलिए अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करेंगे। देखो लैंग्वेज टेस्ट में ना टोटल आपकी 33 लैंग्वेजेस आती है, मतलब 33 लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन है CUET में। ओके, अब देखो घबराओ मत, आपको अगर ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना तो आपको मैं बताऊं, ये जितनी भी सिलेबस आप देख रहे हो ना, जो भी चीजें बोर्ड पे लिखी है, जितने भी डोमेन्स है, लैंग्वेजेस टेस्ट है, उसके बाद आपकी जनरल टेस्ट है, ये पूरी CUET की कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर CUET की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास CUET की स्टार्टिंग से A to Z स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी डिजाइंड कोर्सेज है, जहां पे आपको बेस्ट फैकल्टीज आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही होगी, पढ़ा रही होगी, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट, हर कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी बहुत बच्चे क्वेरी कर चुके हैं 2023 के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग देर मत करो, जितने ज्यादा बच्चे जितने जल्दी आओगे तो हम मतलब सीट्स, आप समझ रहे हो ना, अब समझ जाओगे सीट्स का क्या लोचा होता है, बाद में फिर प्रिपरेशन करने में दिक्कत आती है वो, तो जितना जल्दी उतना अच्छा। आपको इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाकर सिर्फ मैसेज करना है, हाय भैया, हेलो भैया, अपने भैया को टेक्स्ट करो, एंड वहां पे अपनी कोर्सेज बताओ कि भैया मुझे इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है और इस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो मैं उस कोर्स एंड उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम निकालने के लिए सिलेबसेस की, चाहे वो डोमेन हो, लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर जनरल टेस्ट हो, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपको मैं डेमो लेक्चर्स भी भेज दूंगा, तो पहले आप डेमो लेक्चर देखना, अगर आपको डेमो लेक्चर पसंद आती है तो ही आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करो, अगर आपको नहीं पसंद आती है, नहीं समझ आता है, तो कोई बात नहीं, भैया तुम्हारे साथ हमेशा है। तो कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट को उठाते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आपको मैंने जैसा कि कहा 33 लैंग्वेजेस यहां पे अवेलेबल है और मैंने कौन कौन से लैंग्वेज है वो भी बता दिया। तो अधिकतर टाइम जो बच्चे लैंग्वेज लेते हैं वो ज्यादातर हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, एंड उसमें से भी सबसे ज्यादा बच्चे जो लेते हैं वो इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश को टारगेट करते हैं आज के टाइम पे। बाकी लैंग्वेज लेने को तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम मेजोरिटी बता रहा हूं बच्चे इंग्लिश लेते हैं। ओके, तो चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज की पेपर दो, कोई भी, हिंदी दो, इंग्लिश दो, मराठी दो, गुजराती दो, उर्दू दो, तमिल दो, कन्नड़ा, कुछ भी दो, जो भी CUET में अवेलेबल है 33 में से,
सबका सिलेबस सेम ही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की बाबू, तो लैंग्वेज टेस्ट में सबसे पहले आपकी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना लैंग्वेज टेस्ट अधूरा है। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ दी आपकी क्वेश्चन का ये पार्ट कवर करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके पैसेजेस वगैरह सब कुछ आएंगे, और इसको कैसे क्रैक करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट भी है CUET 2023, उसमें जाओ देखो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए बता दूं कि पेपर पढ़ना शुरू करो, पेपर पढ़ो अगर समय है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पीछे नहीं छूटना चाहते हो तो पेपर पढ़ना शुरू करो अभी से। न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, हिंदू बहुत काम की चीज है, आपकी बहुत वोकैबुलरी भी उससे इंक्रीज होगी। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले, एंड जब भी आप पैसेज सॉल्व करने जाओ तो अपने तरफ से एक टिप दे रहा हूं आपको, प्लीज पहले अपने पैसेज का क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पे जंप करो, कहानी पे जंप करो, तब तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर मिल जाएगा। तुम पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम पैसेज का जैसे ही पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें ऑलरेडी आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ओके, तो यहां हो गई सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपकी आती है वर्बल एबिलिटी। देखो बाबू, वर्बल एबिलिटी के बिना भी ये कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, जितने भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनमें दो चीज तो आपको मिलेगी, एक आपको वर्बल एबिलिटी मिलती है आज के टाइम पे, और एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगी ही मिलेगी। तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से कवर करके जाना है, एंड हमारे कोर्सेज में ना ये सारी चीजें प्रोवाइड करी गई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक एक चीज है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं आपको, जैसे उसके बाद आपकी रीअरेंजिंग पार्ट आती है, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद आती है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये भी टॉपिक आपको कवर कर लेना है अच्छी तरीके से, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग करोगे आप, उसको न्यूज़पेपर डेली कंटिन्यूअसली जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वोकैबुलरी की। ओके, और आपकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो ऑब्वियस है, ये सारी चीजें तो आनी ही है आपकी कोई भी लैंग्वेज की पेपर में। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स स्पेशली अगर इंग्लिश वाले बच्चे हो जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, सिनोनिम एंड एंटोनिम वोकैबुलरी इन सब में पकड़ बना के चलना बच्चे, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली चार चीज में आपको पकड़ बनानी है, मैं बता रहा हूं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड आपकी प्रॉपर जो वोकैबुलरी होती है उसके ऊपर न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा यहां पे डोमिनेंट आपको हेल्प करने वाला, अगर आप न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू करते हो द हिंदू। ओके, अगेन अगर आप हमारी कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको थोड़ा हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगी, आपको सारी चीजें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, ठीक है, वैसे आप अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गाइड करते रहूंगा टाइम टू टाइम। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने डोमेन्स के ऊपर, डोमेन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा चीज समझ लो कि आपकी जो ये लैंग्वेज की पेपर होगी ना बाबू, इसमें आपकी 50 क्वेश्चन आएगी, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है, और एक सही आंसर का आपको 5 नंबर मिलेगा और एक गलत आंसर का आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब +5 और -1 वाला सिस्टम यहां पे है, इसीलिए समझ जाओ नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं ध्यान से, आपको ये सारी चीजों में अभी से कमांड बनानी है। अभी क्या है ना कि आपके पास बहुत समय है, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से इन सारी चीजों की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं आपकी डोमेन्स के ऊपर, मतलब सेक्शन 2 के ऊपर, डोमेन आप इसे कह सकते हो। अब जो बच्चे अगेन कंफ्यूज हो रहे हैं डोमेन क्या होता है, मैं अगेन बता देता हूं आपको, डोमेन होता है बाबू आपकी जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, आप जो पढ़ रहे हो अपने क्लास 12th में अभी भी, ओके ना, जैसे आपकी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गई, या फिर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी कह लो, ये जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो अभी अपने क्लास 12th में, अदर देन योर लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश हिंदी को छोड़ के जो भी अदर पेपर है, वो आपकी डोमेन्स के अंदर आती है, तो इसे हम कहते हैं डोमेन टेस्ट। ओके, इसे आप डोमेन की एग्जाम कह सकते हो। तो ये वाली जो एग्जाम होगी ना, ये वाली जो आपकी पेपर होगी, ये कंपैरेटिवली आपको थोड़ा इजी लग सकता है लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसे आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो 12th में, तो आपके लिए एकदम नया चीज नहीं है। ओके, आप इसको क्रैक कर सकते हो, कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन अभी डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं, और इसकी सिलेबस बहुत इजी है और बहुत चुम्मेश्वरी है। क्या है मैं बताता हूं, NTA ने ये साफ कहा है, ये चीज क्लियर कर दिया है कि आपकी डोमेन में, चाहे कोई सी भी डोमेन ले लो, कोई सी भी डोमेन, एनी डोमेन, ओके,
उसमें आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की सिलेबस ही आएगी और कुछ नहीं आएगी, क्लास 11th की सिलेबस भी नहीं आएगी। मान लो अगर आपको फिजिक्स की कोई डोमेन देनी है या फिर आपको इकोनॉमिक्स की डोमेन देनी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कुछ भी, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास 12th की, सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए और उसके बाद आप वो पर्टिकुलर पेपर क्रैक कर सकते हो। तो आपको एनटीए ने खुद रेफर करा है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी बार बार आपको ये चीज मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एनटीए ने खुद रिकमेंड करा है, सामने से आपको कहा है अपने सिलेबस में। तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है एंड हमारी जो कोर्सेज है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जिसके लिए आप नंबर यहां पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको व्हाट्सएप करना है, हमारी कोर्सेज में आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी डोमेन्स की वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी पे बेस्ड है और एनसीईआरटी के सिलेबस से डिजाइन किया गया है हमारे पूरे कोर्सेज को, ताकि किसी भी बच्चे को डोमेन में कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए। ज्वाइन करने के लिए हमारी कोर्सेज को क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप में बस आपको लिखना है कि भैया मुझे ये कोर्स और ये यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है, उसके बाद हम आपको कोर्स भेज देंगे। ओके, चलिए, डोमेन का भी वही सीन है कि डोमेन में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम जो आपका नंबर रहेगा 200 मार्क्स का पेपर रहेगा प्रति डोमेन का। ओके, मतलब आप हिस्ट्री दे रहे हो तो वो 200 मार्क्स का होगी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस दे रहे हो तो वो 200 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स दे रहे हो तो वो 200 मार्क्स का, फिजिक्स दे रहे हो वो 200 मार्क्स का, तो सबका 200 ऐड होते चला जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखना, और लैंग्वेज का पेपर भी आपका 200 मार्क्स का ही होगा। ओके, और लैंग्वेज के पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे एंड डोमेन के पर डोमेन के पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। मतलब अगर आप फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, बायोलॉजी कर रहे हो, तो हर एग्जाम आपके लिए 45 मिनट हर पेपर का आपको मिलेगा एंड हर पेपर अलग-अलग 200 मार्क्स कैरी करेगा एंड सिलेबस सब में सेम फॉलो किया जाएगा एनसीईआरटी क्लास 12th का एंड आपके पास टोटल सीयूईटी में 27 डोमेन्स अवेलेबल है एंड ये 27 डोमेन अभी के लिए है, आने वाले टाइम पे ये डोमेन बढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेजर डोमेन है जो आते हैं वो इसी के अंदर, इसी 27 में कवर हो जाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी ब्रह्मास्त्र के ऊपर जिसका नाम है जनरल टेस्ट। और ये जनरल टेस्ट ना बाबू, ये इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये अकेला आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उठा के दे देगा, तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को तो कभी भूल से भी नेग्लेक्ट मत करना, अपने सीयूईटी के फॉर्म में आप इसको जरूर भरना। अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसमें जनरल टेस्ट से एडमिशन होगी तो उसको मत छोड़ना, मैं तो कहूंगा जीटी का पेपर दे दो, आपके लिए बढ़िया है। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत भी आपको इसी में लग सकती है, ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखो, जनरल टेस्ट का मतलब है कि आपकी ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। ओके, अब आप एक चीज प्रैक्टिकली सोच के देखो, अपने अपने क्लास 12th में आपने डोमेन्स की पढ़ाई करी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सकता है कि आप लैंग्वेज भी आपने पढ़ाई हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं जीटी की, जीटी आपके लिए कंप्लीट नया चीज है, कंप्लीट मतलब आज से पहले हो सकता है मैक्सिमम बच्चों ने जीटी की तैयारी करी ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके क्लास 12th के सिलेबस से हटके है। देखो, जीटी बिल्कुल नया है आपके लिए बाबू, बिल्कुल नया है। हो सकता है आपने आज तक जीटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हो, डोमेन तो जैसे तैसे आप निकाल भी लोगे, लेकिन जीटी के लिए आपको चाहिए होंगे टीचर्स, चाहिए होंगे फैकल्टीज, चाहिए होंगे मटेरियल्स, चाहिए होंगे, तो हमारे पास जीटी के लिए, सिर्फ जीटी के लिए भी अलग से डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करें जीटी की, तो जीटी में आपकी सिलेबस थोड़ी लंबी चौड़ी होगी एंड जीटी में, जीटी का जो पेपर होगा वो डोमेन और लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स का होगा, इसमें आपको ज्यादा वक्त भी मिलेगा। ओके, तो चलिए, जीटी में सबसे जो आपको एक बेसिक सिलेबस है आपकी आएगी जीके। भैया, जीटी का मतलब जनरल टेस्ट, एंड जनरल टेस्ट की जब भी हम बात करें वहां तो जीके आना ही है। जीके में आपकी क्या आएगी, जीके में आपकी आएगी स्टैटिक जीके एंड आपकी करंट अफेयर। ओके, स्टैटिक जीके ऐसी जीके होती है जो स्थिर होती है, आपको इतना तो पता ही होगा, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जहां पे बेसिक चीजें जो पर्टिकुलर आपको क्या बोलते हैं, जो सामान्य ज्ञान होता है, जो बेसिक होता है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, आपकी जियोग्राफी क्या होती है, भारत की हिस्ट्री क्या रही है या वर्ल्ड हिस्ट्री क्या रही है, जो भी ये बेसिक चीजें होती है, जो एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान होती है, वो इसके अंदर आती है स्टैटिक जीके के अंदर। ओके, एंड दूसरी जो जीके के अंदर ही आती है वो है करंट अफेयर्स एंड
करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी के लिए जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसी न्यूज़पेपर को आप अपने करंट अफेयर्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अभी से अगर आप करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर की पढ़ना स्टार्ट करते हो बहुत पहले से, तो आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर्स का अभी से सारा का सारा पता लग जाएगा। करंट अफेयर की आपकी तैयारी होते चलेगी, पिछले 8 से 10 महीने तक की करंट अफेयर्स की तैयारी करके रखो, इससे आपकी क्वेश्चन जरूर आएंगे जीटी में पिछले 8 से 10 महीने के। तो ये बात अपने दिमाग में फिट करके रखना। ओके, उसके बाद आएगी आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद आएगी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। देख रहे हो ना, ये बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप कहते हैं, जनरल टेस्ट कह लो, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें तो आनी ही है, ये एक जनरल टेस्ट हो रहा है ना, तो ये सारी आपकी एप्टीट्यूड, इसको हम एप्टीट्यूड सेक्शन भी बोलते हैं, तो ये सारी एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद जो मेरी पर्सनल फेवरेट चीज है, बेसिक मैथ्स टिल क्लास 8 क्लास तक की बेसिक मैथ्स आपको क्लियर होनी चाहिए बाबू। क्लास 8 तक की बेसिक मैथ, अगेन कह रहा हूं मैं चिल्ला के, ये आपकी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। एंड ज्यादा एडवांस लेवल का मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन बेसिक मैथ्स आपका होना चाहिए क्योंकि ये आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट हो रही है, तो इसमें आपकी मैथ्स तो आएगी ही आएगी। ओके, एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी जनरल टेस्ट का, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग तो आनी ही है, चाहे कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, कोई भी जनरल टेस्ट हो, रीजनिंग के बिना तो एग्जाम अधूरा है, तो आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखो, जैसे आपकी लैंग्वेज टेस्ट में 50 क्वेश्चन थी मैक्सिमम, उसके बाद डोमेन में 50 थी जहां आपको 40-40 अटेम्प्ट करने थे मिनिमम क्वेश्चन, यहां पे ये 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गया है, एंड उसी तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन है आपकी, यहां पे 45 मिनट से अब आपको 60 मिनट मिलेगी जनरल टेस्ट में, एंड टोटल ये 300 मार्क्स का अकेला पेपर होगा। ओके, डोमेन आपका 200 मार्क्स का था, लैंग्वेज टेस्ट 200 मार्क्स का, लेकिन जीटी अकेला आपका 300 मार्क्स का होगा। अगेन एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको यहां पे, कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा जब आप बात करते हो सिलेबस की, तो सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स डिफर करती है, तो इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लेना कि आपको किस यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, एंड उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए किस सिलेबस की किस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर बात करूं मैं जेएनयू की, जेएनयू में अगर आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स में, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, वहां पे डोमेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक के लिए, तो नहीं है। ओके, लैंग्वेज टेस्ट एंड अगर आपने जीटी दे रखा है अपने सीयूटी के एग्जाम में, तो आप आराम से जेएनयू के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जब हम बात करें डीयू में, तो डीयू में आपकी मोस्ट ऑफ दी, जैसे डीयू में आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, मोस्ट ऑफ दी ऑनर्स कोर्सेज में, मोस्ट ऑफ दी, सबकी नहीं, अगेन सबकी नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ज्यादातर कोर्सेज के लिए आपकी एक लैंग्वेज टेस्ट और आपकी 3 डोमेन की जरूरत पड़ती है, वहां पे जीटी का कोई खेल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में, या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन आप दे दो आपका, आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में, या फिर 3 डोमेन एक लैंग्वेज। तो ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स डिफर करती है, तो आप देखो आपको किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करना है, एंड उसके हिसाब से अपनी सेक्शन चुनो एंड अपनी तैयारी शुरू करो। ओके, तो ये थी आज की पूरी वीडियो, एंड अगेन आप चाहे कोई सी भी सेक्शन उठाओ, चाहे वो आप लैंग्वेज टेस्ट उठाओ, डोमेन उठाओ, जनरल टेस्ट उठाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी उठाओ, बड़ी सी बड़ी कोई भी कोर्स उठाओ, हमारे पास सब कुछ, सारा कुछ, पूरा कोर्सेज अवेलेबल है, बस आपको हमारे दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे जाके डीएम करना है, मैं ही मिलूंगा, मेरी टीम मेंबर्स मिलेंगी, हमारी टीम मेंबर रहेंगी, जो आपको फटाफट से जो भी आप कोर्स बोलोगे, जिसके लिए भी तैयारी करना है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड फिर आप फर्दर रजिस्टर कर सकते हो। ओके, चलिए, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपकी बहुत सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। आप एक काम करो कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक दबाओ प्लीज। अगर आप मेरे साथ रहोगे, मैं गारंटी देता हूं पूरे एग्जाम के बाद तक, आपकी कॉलेज की काउंसलिंग तक मैं आपके साथ टिका रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ट्रस्ट करो मेरे पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम के लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू, टाटा बाय बाय।